धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में स्थित जयगांव शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मांग रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित जयगांव शहर हमारे पड़ोसी देश भूटान से लगता हुआ एक छोटा सा शहर है जिसका नाम जयगांव है। व्यवसाय और टूरिज्म दोनों के लिए जयगांव बहुत महत्वपूर्ण है। भूटान के निवासी विभिन्न प्रकार की चीजों की खरीदारी के लिए जयगांव आते हैं। भारतीय पर्यटन भी इसी सीमा से होकर भूटान जाते हैं, पर आज एक तरफ सीमा के उस पार सुंदर और स्वच्छ फुलचिलिंग शहर है, वहीं इस तरफ गंदगी से भरा हमारा जयगांव शहर। ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है जिससे बरसात के मौसम में पानी हर तरफ भर जाता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। रास्तों की हालत भी जयगांव में बेहद खराब है। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है और कूड़ा रास्ते में हर तरफ बिखरा हुआ मिलता है। अस्पताल की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। भूटान संसार का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। वहाँ के लोग जयगांव शहर आते हैं तो हमारे देश के बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। जयगांव को स्मार्ट सिटी बनाना देश के सम्मान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयगांव में स्मार्ट सिटी बनने से मेरे वहाँ के चाय बागानों के पिछड़े और गरीबी बेरोजगार लोगों को भी नौकरी मिलेगी और वह अपने परिवार को पालन पोषण कर सकेंगे, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, वह भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। धन्यवाद।